बहुत ही प्यारा सवाल है। ए पी आर एक्स एस एन जेड आर सिटिंग इन आ रॉ, एस एन जेड आर इन द सेंटर। पहली बात तो ये कि कितने लोग हैं रे? छः लोग हैं। एक दो तीन चार पाँच छः, ये ज़रूर लिख लो। एस और जेड सेंटर में, तो एक थर्ड पोजीशन पे होगा, एक फोर्थ पे होगा। भाई यहाँ जेड, यहाँ एस भी हो सकता है, बस सेंटर पे। आगे क्या कह रहे हैं? ए एन बी एट द एंड, ए और बी एंड पे। अब आप बोलो सर ए और बी, यहाँ अभी तक तो दोनों पॉसिबिलिटी थी, लेकिन फिर कह रहे हैं आर इज सिटिंग लेफ्ट। एक बात ये रखो, हमेशा लेफ्ट राइट आपकी कॉपी के हिसाब से होता है। ये अभी आप हाथ से देख रहे हो ना, तो ये लेफ्ट पर रही है, इस वजह से मैंने ए को यहाँ लिया है, ठीक है, और बी को यहाँ लिया है। आगे कह रहे हैं हु इज टू द राइट ऑफ बी, ऑफकोर्स बी का चूँकि राइट पूछा है तो बी को हम यहीं रहेंगे। तो भाई सारी पोजीशनें तो आ गई थी, सिर्फ एक पोजीशन बची थी, किसकी बची थी? एक्स की। तो लाजमी बात है यहाँ पे कौन आएगा? एक्स आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक्स।